नीमच पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में तस्कर पुलिस से बचने को लेकर नए नए तरीके ढूंढकर तस्करी करने में लगे हैं। आज भी कोतवाली पुलिस ने एक तस्कर को एम्बुलेंस में डोरा चूरा ले जाते धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पकड़ाया तस्कर नीमच की ओर से निम्बाड़ा की ओर जा रहा था। उसी दौरान पुलिस लाइन के समीप चेकिंग में उसे पुलिस द्वारा रोकना चाहा, लेकिन जब वो नहीं रुका और भाग निकला तो पुलिस ने पीछा कर एम्बुलेंस को रुकवाया और तलाशी ली, जिसमें 40 किलो डोरा चूरा भरा मिला। अब पुलिस पकड़ाए तस्कर से पूछताछ करने में जुटी है कि वो ये डोरा चूरा कहाँ से लाया था। पिछले कुछ दिनों से मोटरसाइकिलें चोरी जा रही थी, तो सीआरपीटी के सामने एक पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से हमने एक पॉइंट लगाया था जो कि आने जाने वाले वाहनों को चेक करता था। सुबह करीब 5 बजे करीब एक बलेरो जिसमें ऊपर नीली बत्ती लगी थी और एम्बुलेंस लिखा हुआ था, वो वहाँ से निकली। जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उसको हाथ दिया तो वो कट मार के आगे भागा। पीछे से गाड़ी से उसका पीछा किया गया और पीछा करने के बाद उसको कनावटी पुलिस लाइन के पास पकड़ा गया। जब उसका नाम वगैरह पूछा तो उसका नाम कमल सालवी, नई आबादी प्रतापगढ़ का रहने वाला था। और जब उस एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसमें करीब 40 किलोग्राम डोडा चूरा बोरे में भरा हुआ सिला हुआ मिला है। उसमें NDPS का प्रकरण पंजीबद्ध।